हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि SSC स्टेनोग्राफर 2022 से ग्रेड डी की कट ऑफ कितनी होने वाली है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा एंड आई होप आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग शायद रिलेट भी कर पाए होंगे कि हाँ, कट ऑफ जो है इतनी ही जा सकती है जितनी मैंने बताई है। और वो जो कट ऑफ मैंने बताई है वो 3,000 वैकेंसी के हिसाब से बताई है। अगर वैकेंसी 4,000 हो जाएंगी तो उससे भी कम कट ऑफ जो है जाएगी। क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ जो है इतनी कम जाने का रीज़न क्या है। कई लोग बोल रहे हैं कट ऑफ जो है 140 चली जाएगी, 135 चली जाएगी UR कैटेगरी की, OBC की बता रहे हैं कि 130 चली जाएगी। ये लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है SSC स्टेनोग्राफर में ड्यू टू लेस वैकेंसीज, उन चीज़ों को लेकर के इस साल भी ऐड कर रहे हैं, जबकि इस बार वैकेंसीज लास्ट 2 ईयर से बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम 2019 में देखें तो अराउंड 400 वैकेंसीज थी एंड 2020 में देखें तो अराउंड 700 के आसपास वैकेंसी थी। और अगर 2020 की बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 3,000 प्लस तो कन्फर्म है। और जिस हिसाब से RTI की रिप्लाई आ रहे हैं, पहले जो रिप्लाईज आए थे जैसे कि CGDA का पहले रिप्लाई आया था उसमें 87 वैकेंसीज थी, और अभी जो मैंने RTI लगाई थी इस समय जो लेटेस्ट रिप्लाई आया है उसमें 112 वैकेंसी हो गई, तो यानी वैकेंसी बढ़ गई है। तो अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो वैकेंसी जो है 4,000 प्लस जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं SSC स्टेनोग्राफर 2022 में। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ अभी कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो एंड Insta ID भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। ये लॉजिक को बहुत ही ध्यान से सुनना। पहली बात, वैकेंसीज 3,000 प्लस है। दूसरी बात, जो स्किल टेस्ट हुआ है SSC स्टेनोग्राफर 2022 का, उसमें बच्चे क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, मैक्सिमम ले लो 9,000। मेरे हिसाब से 7,000 से ऊपर, 6 से 7,000 से ऊपर बच्चे क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, बट अगर करते भी हैं तो 9,000 लेके चलो। तो अगर 3,000 वैकेंसी लेके चलते हैं तो एक वैकेंसी पे कितने बच्चे हुए, तीन बच्चे हुए ना एक वैकेंसी पे, तो कट ऑफ इसमें कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये सोचो। दूसरी बात ये सोचो कि मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 120 या फिर 130 के बीच में आए हैं, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके नंबर इतने ज़्यादा आए हैं उनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होगा ही होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो बहुत रेयर है कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाएँ। कोई भी डाटा पिछले साल का निकाल करके देख लो। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 47,000 बच्चे बुलाए गए थे ना स्किल टेस्ट में, 80-90 वाले हैं, 80, 90, 100, 110 इस तरह के नंबर्स वाले भी बच्चे बहुत सारे हैं। यानी कि अगर SC में देखें 76 कट ऑफ गई है तो 79 कट ऑफ वाले बच्चों को भी स्किल टेस्ट देने का मौका मिला है और वो भी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। तो आप बताओ क्या लगता है, उनका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। OBC में 98 मार्क्स हैं बट स्किल टेस्ट देने गए हैं तो वो भी तो उसमें काउंट हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया था, वो तो पहले ही बाहर हो गए। मैं कह रहा हूँ 29,000 बच्चों ने दिया है ना स्किल टेस्ट, उसमें से आप 10 से 12,000 तो ऐसे ही निकाल दो जिनके नंबर 100 के नीचे हैं, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं भी जिनके 120 या 130 नंबर आए भी हैं या फिर 110 के ऊपर नंबर आए भी हैं, उनमें से भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे स्किल टेस्ट में, समझे बात को। अगर मेजर सिनारियो हम लेंगे तो 9,000 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पास नहीं कर पाएंगे स्किल टेस्ट, और एक वैकेंसी पे सिर्फ 3 लोग फाइट करने वाले हैं बस। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले एक सीट पे 8-8 बच्चे को फाइट कर रहे थे, 10-10 बच्चे फाइट कर रहे थे, अभी एक सीट पे मैक्सिमम 3 लोग हैं यार। और जो मेरा एनालिसिस है, मेरे अकॉर्डिंग 6-7 हज़ार से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और वैकेंसी आपकी 4,000 के आसपास आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो, एक सीट पे मैक्सिमम 2 से 2.5 बच्चा ही रहेगा जो कंपटीशन करने वाला है। तो यार कितना वैकेंसी बढ़ा लोगे यार। और अगर जो आपकी कट ऑफ गई है, आप भले ही किसी भी कैटेगरी की हो, लेकिन पहले मैं UR की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कट ऑफ 15 नंबर से ऊपर चली जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और अगर सिर्फ 10 नंबर ही बढ़े तो शॉक्ड होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसमें इस बात को ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ,
ठीक है, अपना लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, पिछले 3 साल का डेटा उठाओ। पिछले 3 साल में कितना ज़्यादा इजी स्किल टेस्ट बोला जा रहा था, कितनी इजी डिक्टेशन थी, फिर भी कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 3,000 4,000। इस बार तो हिंदी वालों का जो 16 फरवरी का टफ दे दिया यार, बहुत सारे बच्चे तो लिख ही नहीं पाए, तो वो वहाँ से बाहर हो गए। बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे थे, नहीं कर पाएंगे स्किल टेस्ट क्वालिफाई। 10 मार्च को चलो मान लिया कि स्किल टेस्ट कितना भी इजी आ गया, पिछले 3 साल से भी तो इजी आ रहा है ना, क्यों सिर्फ 3 to 4,000 बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं? और इस बार जो समय है वो कितना कम दिया गया है, रिटर्न एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद तो 1 महीना भर ही मिला है आपको। कैसे कर लो यार, स्किल टेस्ट सेनो मजाक नहीं होता है, इस बात को आप लोगों को समझना है, लॉजिक लगाना है। इस पे से मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है ना वो 10-15 मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगी यूआई कैटेगरी की। चलो बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी की, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। ओबीसी में भी यही खेल होने वाला है, ओबीसी में जो कट ऑफ है मैक्सिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स बता रहा हूँ आप। अगर वैकेंसी 4,000 आ जाती है और 3,000 के प्लस रहती भी है तो समझ रहे हो बात को, एससी में 25 मार्क्स, एसटी में भी 25 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस में भी मैक्सिमम 20 मार्क्स। एससी और ईडब्ल्यूएस की लगभग लगभग बराबर ही रहने वाली है कट ऑफ, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया सोचना है इस बारे में, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है जो मैंने बताया वो सही है या नहीं सही है। देखो इस बार जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है वो सबको शॉक करने वाली है, ये बात तो सच है। जो मैं कह रहा हूँ जरूर नहीं कि वो 100% सच हो, लेकिन मेरा ये अजम्पशन है कि कट ऑफ कम ही रहेगी, विथ प्रॉपर लॉजिक मैंने आपको बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो बात मैंने आपको बताई है। नहीं समझ में आया हो कमेंट बताना, समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो कमेंट बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बच्चों को शेयर करना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।